हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रियेश और आप देख रहे हैं आप सबका चैनल नेस्ट बर्ड। तो आज का टॉपिक है हैंड फीडिंग। तो आज हम लोग ये हैंड फीडिंग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो मैंने घर पे खुद से बनाया है, जो कि प्रॉपर 21% प्रोटीन और 10% फैट प्रॉपर रेशियो के साथ बनाया है। हैंड फीडिंग फार्मूला कैसे बनाते हैं इसकी अगली वीडियो आने वाली है, तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अभी आज के टॉपिक में आप बर्ड्स को कैसे हैंड फीडिंग कराते हैं वो देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इस हैंड फीडिंग फार्मूले को बनाने का तरीका थोड़ा अलग है अपने नॉर्मल हैंड फीडिंग फार्मूले से। आप पानी लीजिए जितना आपको बर्ड्स को चाहिए, उसमें आप यह हैंड फीडिंग फार्मूला मिलाइए जितनी क्वांटिटी होगी उतना। और फिर आप इसे थोड़ा सा उबालिए। हम नॉर्मल हैंड फीडिंग फार्मूले को क्या करते हैं कि पहले पानी उबलते हैं फिर उसमें डालते हैं, पर इसका थोड़ा उल्टा है कि आप पहले इसमें इसके अंदर हैंड फीडिंग फार्मूला मिक्स करिए फिर आप इस पानी को एक बॉईल दीजिए। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉईल होने को। ये ऐसे बॉईल आने तक आप इसे थोड़ा उबालिए, फिर अभी इसे हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होने के लिए रखते हैं। तो अभी ये थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, थोड़ा गर्म ही रखिए आप वरना आपके बर्ड्स खाएंगे नहीं। ये ए टू जेड ड्रॉप मल्टीविटामिन, आप ये एक ड्रॉप इसमें डालिए। और ये है प्रोइबूस्ट, अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हो हैंड फीडिंग करवाना तो आप पहले 5 दिन ये यूज़ करवाए, इससे डाइजेशन अच्छा होता है और बर्ड्स को नए फीड की हैबिट लगती है, इससे कोई अनडाइजेशन नहीं होता इस मेडिसिन से। तो अब इसे मिलाइए। आप सोच रहे होगे ये बाहर का क्यों लिया है मैंने, इसके अंदर गर्म पानी है। ये विंटर के टाइम आइडिया अच्छी है, अगर आपके पास ज़्यादा हैंड फीडिंग के लिए बर्ड्स हो तो आपका फूड आपका जो हैंड फीडिंग फार्मूला है वो ठंडा हो जाता है जल्दी से। इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी है, इसके अंदर आप ये रखोगे तो आपके अंदर का ये जो फूड हैंड फीडिंग फार्मूला है वो ठंडा नहीं होगा जल्दी से। तो आप हैंड फीडिंग के लिए ये सिरिंज है, आप सिरिंज ही यूज़ करिए, अब दूसरा कोई सिरिंज के आगे वो पाइप आता है वो लगा के मत यूज़ करिए, क्योंकि एक बार पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, एक बर्ड बेबी बर्ड की डेथ हुई थी, वो पाइप किसी गलत जगह पे गया था, थिंक पता नहीं कैसे डेथ हुई पर हुई थी, तब से मैंने वो पाइप छोड़ दिया है और ऐसे नॉर्मल सिरिंज से फीड कराता हूँ। आप इसके जो बर्ड है उसकी गर्दन पकड़िए, वो बहुत तेज़ हिलाते हैं खाते वक्त, तो खाना इधर इधर वेस्ट हो जाता है। तो उनकी आप गर्दन ठीक से पकड़िए, बहुत तेज़ मत पकड़िए, थोड़ा नॉर्मल पकड़िए कि वो ज़्यादा ना हिलाए। अगर आपको इस हैंड फीडिंग फॉर्मूले की अगर वीडियो चाहिए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगली वीडियो हैंड फीडिंग फॉर्मूले की आने वाली है। हाय,
ये जो बर्ड है ये भी इसी फॉर्मूले पे मैंने बड़ा किया था, जो आप इंट्रो में तीन बर्ड देख रहे होगे जिसके हैंड फीडिंग करा रहा हो, ये उन्हीं में से एक है जो मैंने खुद के लिए रोक के रखा था। आपको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप बाहर का फूड ना लाइए, आप घर पे ही बनाइए। ये बहुत अच्छा हैंड फीडिंग फॉर्मूला है। मेरे और एक लव बर्ड है जिसकी मैं वीडियो डाल दूँगा, उसको भी मैंने हैंड फीडिंग पे इसी हैंड फीडिंग पे तैयार किया था। तो आप इसी हैंड फीडिंग को यूज़ करें पर्सनली, आप बाहर का मत लाइए, आप बर्ड की हेल्थ देखिए। इनकी हेल्थ बहुत ही ख़राब थी। ये जो फेदर्स है, ये जो वाइट जो रुए जैसे, ये पूरे के पूरे सब निकले हुए थे इनके इस हैंड फीडिंग राइट इस इनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ख़राब थी। इनके जो रुए थे, वाइट वाइट फर है, ये सब के सब निकले हुए थे, और इस हैंड फीडिंग फॉर्मूला से आप इनकी हेल्थ देखिए फिर से अच्छी हो गई है। आप जब हैंड फीडिंग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको बिलीव हो जाएगा कि ये हैंड फीडिंग फॉर्मूला सच में अच्छा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो जो अगली वीडियो आएगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बस यही इतना ही था। आप सिर्फ सिरिंज ही यूज़ करिए, आप सिरिंज के अलावा कुछ ना यूज़ करिए जो उनके पेट में या अंदर कुछ निडल जैसे जाता हो। उनसे बर्ड को बहुत प्रॉब्लम होती है, हम फोर्सफुली उनको फीड कराते हैं तो वो अच्छा नहीं है उनके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।